वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज मुनीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैथ। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम कर रहे हैं आज 8वीं कक्षा के गणित का दूसरा अध्याय, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होती क्या है, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि तराजू है, तराजू के दो पलड़े हैं, ठीक है, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन बराबर रह रही है इसकी जो डंडी है। इस तराजू के जब दोनों पलड़े में वेट सेम होता है तो ये जो इसकी ऊपरली डंडी है वो क्या होती है, बिल्कुल समानांतर हो जाती है जमीन की। तो ये एक समीकरण का ही रूप धारण कर लेता है। देखते हैं समीकरण को, मैंने तराजू के साथ कैसे जोड़ा है, आपको क्लियर हो जाएगा आगे वाली वीडियो में। समीकरण बनाना, अमीना सारा से कोई संख्या सोचने को कहती है। अमीना संख्या के बारे में कुछ नहीं जानती है, उसके लिए यह संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 11, 100 कुछ भी हो सकती है। आइए इस अज्ञात संख्या को हम एक अक्षर एक्स से व्यक्त करें। देखो, अमीना सारा को कहती है कि कोई एक संख्या सोचो। संख्या सारा कोई भी सोच सकती है, तो वो जो संख्या सोचती है, अमीना को तो नहीं पता ना वो कौन सी संख्या सोचेगी, इसलिए वो उसकी सोची हुई संख्या को x से व्यक्त कर देती है कि मान लो उसने x सोचा। आप x के स्थान पर कोई अन्य अक्षर y, t इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो, मतलब कोई भी आप जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स हैं कोई भी आप उसकी जगह पर ले सकते। सारा जब संख्या को 4 से गुना करती है तो उसे 4x प्राप्त होता है। फिर वह गुणनफल में 5 जोड़ती है। अमीना पहले उसको बोलती है कि आप कोई भी एक संख्या सोच लो सारा से। सारा ने संख्या सोच ली, फिर अमीना उसे कहती है कि अपनी संख्या को 4 से गुना कर दो। सारा ने अपनी संख्या को 4 से गुना कर दिया। अमीना ने सोच लिया कि उसके पास जो संख्या उसने सोची है वो x है मान लो, तो अमीना के पास संख्या कौन सी बन गई, अब 4x बन गई, है ना। अमीना के पास संख्या बन गई वो 4x बन गई। फिर अमीना सारा को कहती है कि वो अपनी संख्या के उस गुणनफल में 5 जोड़ दे, ठीक है। जो सारा है वो अपनी संख्या में 5 जोड़ देती है, तो अमीना के पास कौन सी संख्या बन गई, अब अमीना के पास बन गई 4x+5, क्योंकि अमीना सारा वाली संख्या नहीं जानती, उसने उसकी संख्या को पहले x मान लिया, फिर 4 से गुना करवा दिया 4x आ गया, फिर उसको कहा उसमें 5 जोड़ दे, अपने वाली में भी 5 जोड़ दिया, तो उसके पास कौन सी संख्या आ गई, 4x+5 अमीना के पास, ठीक। 4x+5 का मान x के मान पर निर्भर करता है। यदि सारा ने संख्या 1 सोची है तो 4x+5 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सारा के मस्तिष्क में 1 होता तो उसके द्वारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। यदि उसने संख्या 5 सोची होगी तो x के स्थान पर 5 रखने पर सारा का आंसर 25 आएगा।
सारा द्वारा सोची गई संख्या ज्ञात करने के लिए आइए उसके द्वारा प्राप्त उत्तर हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अमीना सारा से पूछती है कि अब आपका उत्तर बता कितना आ गया। तो सारा बोलती है कि मेरा उत्तर आ गया 65। इधर अमीना ने अपनी जो संख्या है वो कितनी बना रखी है, 4x+5। तो अमीना क्या करेगी, 4x+5 को 65 के बराबर रख देगी। ठीक है ना। तो इस तरह ये जो हमारे पास बना, ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करके हम सारा द्वारा सोची गई संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की समीकरण हम बनाते हैं, फिर उनको हल करते हैं। अज्ञात संख्या को ढूंढने के लिए समीकरण हमें हेल्प देती है। अब मेरे को लगता है आपको समझ लग गया होगा कि समीकरण की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने x सोचा था, क्योंकि सारा ने एक संख्या सोची थी, अमीना को पता नहीं था। अमीना ने उसकी सोची हुई संख्या को क्या मान लिया था, x मान लिया था। वो जो माना गया x था उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं या वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर अर्थात बदल सकती है, एक चर विभिन्न संख्यात्मक मान ले सकता है, अर्थात इसका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता। चरों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एक्स वाई जेड एल एम एन पी कोई से भी व्यक्त किया जा सकता है। चरों में हम व्यंजकों को बनाते हैं। ये व्यंजक चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन जैसी क्रियाओं करके प्राप्त किए जाते हैं। x से हमने व्यंजक 4x+5 बनाया था। इसके लिए हमने पहले x को 4 से गुना किया तो हमारे पास 4x आया, और फिर 5 जोड़ा तो हमारे पास ये 4x+5 एक व्यंजक आ गया था। क्लियर। अब आपको क्लियर हो गया कि चर किसको बोलते हैं। जो भी कोई अज्ञात राशि होती है उसको हम x मान लेते हैं या y, z, l, m, n, p कुछ भी मान लेते हैं, उसको वेरिएबल का नाम दिया जाता है या चर का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इसको लिटरल भी बोला जाता है। क्लियर। अब मैंने अभी तक आपको समझाया कि एक समीकरण क्या होती है, समीकरण क्यों बनाते हैं हम, फिर उसके अंदर जो एक्स वाई जेड वगैरह हम मान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद समीकरण क्या है, एक समीकरण में समता या समिका इक्वलिटी का चिन्ह सदैव होता है। समता का मतलब बराबर का चिन्ह। समता का चिन्ह यह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाईं और दाएं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहें बराबर है। क्लियर। समीकरण क्या होती है, समीकरण में पहली बात आपने याद रखनी है कि समता का, इक्वलिटी का, बराबर का चिन्ह जरूर होता है। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीजें होती हैं, है ना। जैसे सारा का जो आंसर था और अमीना ने जो सोचा था, उनकी जब हम समीकरण बनाते हैं, अमीना ने क्या सोचा था, 4x+5 बना लिया था उसने, क्योंकि उसने सारा की संख्या को x मान लिया था, और फिर जो सारा ने आंसर दिया था वो 65 था। तो इन दोनों को हम क्या रख लेंगे, बराबर। जब हम बराबर के निशान के साथ इन दोनों को रखते हैं तो ये एक समीकरण का रूप ले लेता है।
यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में समता का चिन्ह के अतिरिक्त कोई भी अन्य चिन्ह है तो वह समीकरण नहीं होती। मैंने पहले भी आपको बताया है कि समीकरण को आप तराजू की सहायता से भी समझ सकते हो। तराजू के जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं, उनमें बराबर भार वेट रखा होता है, तो वो एक समीकरण का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? इसलिए 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 65 65 से बड़ा है, क्या ये एक समीकरण होगी? नहीं होगी एक समीकरण। यह कथन हमें बताता है कि 4x प्लस 5 का मान 65 से अधिक है, इसलिए यह एक समीकरण नहीं है। इसके बाद ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और इनके पास 4x प्लस 5 लेस देन 65 65 से छोटा है, तो ये लड़की कहती है कि ये भी एक समीकरण नहीं है। तो आप सोचो बेटा कि ये लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, क्योंकि 4x प्लस 5 का मान 65 से कम है, इसलिए यह भी एक समीकरण नहीं है। अब 4x प्लस 5 बराबर है 65, एक समीकरण है, क्योंकि जब हम उसी तराजू जो मैंने आपको पहले बताया था वहां पे रखते हैं तो 4x प्लस 5 किस द्वारा सोची गई संख्या है? मीना द्वारा। जो 65 है ये किसने सोची थी? आंसर दिया था सारा ने। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर हम दोनों को तराजू में रखते हैं तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, इसलिए यह एक समीकरण है। इसके बाद प्रयास करके देखें, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखें। x के तिगुने और 11 का योग 32 है। तो बेटा सोचो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। सबसे पहली बात, x के तीन गुने गुने मींस 3x और 11 का योग प्लस 11 का योग कितना आंसर आएगा? 32। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 11 बराबर में 32, ये एक समीकरण बन जाएगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूं इसके, ठीक है, खुद सोच के देखो। संख्या के 6 गुने, संख्या कौन सी है? आपको पहले बताया है अगर कोई अज्ञात संख्या है तो हम उसको x मान लेते हैं, तो संख्या का 6 गुना 6x, फिर कितना घटाना है? 5, 6x माइनस 5 कितना प्राप्त होगा? 7 बराबर है 7, 6x माइनस 5 बराबर में 7, एक समीकरण बन जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलें। ये मैंने यहां पे एक समीकरण लिखी हुई है, इनको हमने गणित के तौर पे, मैथमेटिक्स के तौर पे नहीं देखना, सिंपली बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको? कथनों के रूप में बदलना है इसको। पहला प्रश्न है x माइनस 5 बराबर में 9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, ओके? सेकंड देखो, 5p बराबर में 20, तो 5p जब
पांच और पी के बीच में कोई भी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी निशान नहीं है, ठीक है, तो हम इसको गुना मानते हैं। तो पांच को पी से गुना करने पर हमें 20 प्राप्त होता है। ओके, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करें। हमने ये देखना है बेटा कि जहां पे हमें समीकरणें दी गई हैं और जहां पे का मान दिया गया है चर का, हम देखेंगे कि इस चर का मान इस समीकरण के अंदर रखने पर हमें ये समीकरण दोनों साइड तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो देखते हैं, पहले में x का मान 3 है। जब मैं इस समीकरण में x की जगह पर 3 लिख देता हूं तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 जीरो के बराबर कैसे हो सकता है, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक, अब देखो x का मान 0 भरना है इसमें। अगर मैं इस x की जगह पे 0 भर देता हूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 3, और राइट हैंड साइड में 0। इसका मतलब x का मान 0 इसका हल नहीं है। तीसरे में देखो, x की जगह पर रखना है मैंने -3। अगर मैं यहां पे -3 रखता हूं तो -3 प्लस 3, 3 हमने देने 3 हमने लेने, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड भी 0 हो गया। इसलिए x बराबर में -3 इस समीकरण का हल है। अब देखो x का मान 7 रखते हैं चौथे प्रश्न में, तो 7 में से 7 गए 0, लेकिन यहां पे आंसर कितना आ रहा है, 1। इसलिए ये भी समीकरण का हल नहीं है। अब x की जगह पे 8 रखते हैं, 8 में से 7 गए 1, राइट हैंड साइड पे भी क्या है, 1, इसलिए 1 बराबर में 1, ये समीकरण का हल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। आपके पास एक समीकरण दे रखी है, समीकरण कौन सी है, 5p प्लस 2 बराबर में 17। प्रयत्न और भूल विधि कौन सी विधि होती है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में, कि हम इस p की जगह पर बार बार कोई नंबर पुटअप करके देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड p के उस मान के लिए बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अगर मान बराबर हो गया, इसलिए p का वो वाला मान इस समीकरण का हल बन जाएगा। पहला इस लड़के ने सोचा 1। अब देखते हैं, जब हम p की जगह पर 1 रखते हैं, यहां पे देखो 1 रख लिया हमने, तो 5 गुना 1 प्लस 2 बराबर में 7 है ना, तो इस साइड कितना है, 17। तो ये इसका हल नहीं है, नो। नेक्स्ट, अब ये कोई और नंबर सोचेगा। अब इसने सोचा -1। -1 को इसके अंदर देखते हैं क्या आएगा। जब इसके समीकरण के अंदर हमने p की जगह पर -1 रखा तो 5 एकम 5 -5 प्लस 2 कितना आया आंसर, माइनस का 3, नो, ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर कोई और नंबर सोचेगा, अब जी 2 सोचा इसने, देखते हैं 2 रख के, 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 12, ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, 17 चाहिए हमें तो, नो, ये भी इसका आंसर नहीं है।
ये नहीं हटेगा जब तक इसका पूरा आंसर नहीं निकल जाता। इसने सोचा माइनस दो, ठीक है, यहां पे लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ है। जब हम इस माइनस दो को रखते हैं तो बेटा यहां पे देखो मैं समझा देता हूं, पांच को माइनस दो से गुना किया माइनस दस प्लस दो, तो आंसर कितना आएगा माइनस का आठ, हमें तो चाहिए सतारह, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसके बाद इसने सोचा तीन, अब देखो फिर पांच तिया पंद्रह, पंद्रह प्लस दो सतारह, ठीक है, तो तीन भरने पर हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कितना मिला सतारह, इसलिए ये समीकरण का हल है। यस ओके, अब ये दोनों एक पहेली को सोच रहे हैं, पहेली सोचने से पहले इन्होंने सोचा कि एक संतुलित समीकरण तराजू जैसी है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बांट रखे हों, मतलब एक तराजू के दोनों साइड में बराबर का जब हम वेट रख देते हैं तो वो एक समीकरण बन जाता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही वेट, राइट हैंड साइड भी उतना ही वेट, हम इस समीकरण को हल करते हैं। 3n प्लस 7 बराबर में 25, बड़ा सिंपल सा है। कैसे हल करोगे मैं इसके स्टेप थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूं। दोनों पक्ष में से 7 माइनस कर दो पहले, क्योंकि देखो यहां पे 7 प्लस का है, दोनों पलड़ों में से मैं 7 माइनस कर देता हूं। जब हम 7 माइनस करते हैं तो देखो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है, ठीक, क्योंकि तराजू के जो दोनों पलड़े हैं अगर उनमें मैं दोनों तरफ सेम वेट रख देता हूं या उठा लेता हूं तो तराजू के जो डंडी है वो सेम जगह पे रुकी रहती है ना, इसीलिए इसमें अगर मैं दोनों तरफ माइनस 7 कर देता हूं तो इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हमें प्राप्त हुआ, यहां देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3n बच गया, इधर 25 में से 7 गए 18 आ गया। अब दोनों पक्ष को 3 से भाग देते हैं, देखो बेटा 3 से जब दोनों पक्ष को मैंने भाग दिया इस साइड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा n बच जाएगा, इससे 3 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 3 छी का 18, तो n का मान 6 इसका क्या आ गया हल आ गया। अब अंत में हमारे पास एक पहेली है, पहेली क्या है, अब मैं एक संख्या हूं मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो तो मैं क्या बन जाऊंगा गुना में 7। देखो उसने कहा मैं एक संख्या हूं, संख्या तो हमें पता नहीं ना, हमने उस संख्या की जगह पर x रखना था, चलो हमने x की बजाय किसी को रख लिया संख्या की जगह पे, फिर इसने कहा मुझे 7 बार लो, 7 बार लेने का मतलब 7 से गुना कर दो, क्योंकि किसी भी नंबर को 7 बार जोड़ने का मतलब होता है 7 से गुना करना। 50 जोड़ो फिर क्या आ जाएगा, 50 भी हमने जोड़ दिया। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए
आपको अभी भी 40 चाहिए। ये देखो अब इसने हमें हिंट दे दिया कि 300 तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, 40 चाहिए। इसका मतलब इस समीकरण में, मतलब इस व्यंजन व्यंजक में हम अगर 40 और जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 300। देखो 40 और जोड़ दिया, 300 आना चाहिए। ओके, अब इस समीकरण को अगर हम हल कर देते हैं तो हम इस संख्या को ढूंढ सकते हैं। क्लियर, ये आपकी एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप ये मत सोचना कि इससे तो आपको जो आपकी एक्सरसाइज के प्रश्न है हल नहीं होंगे, आपको हर प्रश्न हल करके दिया जाएगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक पार्ट है समझाने के लिए। देखो फिर हमारे पास समीकरण क्या बन गई, 7x, क्योंकि इसकी जगह पर 7 रख लिया, 7x प्लस 50 प्लस 40 बराबर में 300, ये बन गया ना। अब 7x प्लस 50 और 40 कितने होते हैं, 90। ठीक, 90 इस साइड प्लस किए, उस साइड जाके माइनस किए हो गए, तो 7x बराबर में 210। दोनों तरफ 7 से भाग कर दो तो x का मान 30, तो ये संख्या कौन सी थी, 30 थी। थैंक यू।